हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट हो रहा है कि सर ये रजिस्ट्रेशन को लेकर के, सर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, दोबारा पेमेंट्स करनी है, एंड बहुत सारे उनके माइंड में सवाल आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सवाल आ रहे हैं। तो उन सारे सवाल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है, नहीं है, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं करना है, क्या आपकी सीट रिजर्व होगी, नहीं होगी, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, तो काउंसलिंग कम जैसे कि अभी क्या हो गया, काउंसलिंग की डेट आ गई है और काउंसलिंग से डिफरेंट डिफरेंट सब चीज के ओपन हो गए हैं। तो जैसे कि अगर मैं कोई भी इसमें से ओपन कर लेता हूँ, लेट सपोज कि बीवीए को मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि अभी आपको पता है कि बीए वगैरह इन सब के भी नहीं आई है, ठीक है, तो अब थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। इस वीक में इनशाला उम्मीद है कि आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है कि इस बार जो फॉर्म निकाला गया है, इसमें बताया गया है कुछ एक्स्ट्रा चीजें। जैसे कि क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो भी बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन लॉग इन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फॉर्म फिल करना है, तो इन सारी चीजों की वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको करना कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वहाँ पे सबमिट करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दोगे तो उसके बाद वहाँ पे वेरीफाई होता है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अगर वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट हो जाता है, लेट सपोज कि आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया और वो रिजेक्ट हो गया, जैसे ओबीसी के सर्टिफिकेट्स की जगह पे आपने 10th के मार्कशीट डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो वो क्या हुआ, वो कैंसिल हो गया, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा रीसबमिट करने का, ठीक है। तो आप वहां पे जाके क्या करोगे, आप रीसबमिट करोगे। रीसबमिट करने से फायदा ये रहेगा कि आपको फिर से आप अपने वहां पे डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीजें की जो भी चीजों की वहां पे नीड है वो आप वहां पे डाल पाओगे, ठीक है। तो ये होगा। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं कि रिसबमिशन हो गया, रिसबमिशन के बाद डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि फॉर्म लिस्ट डिस्प्ले होगी। अगर आप फॉर्म लिस्ट वाले वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप फॉर्म लिस्ट वाले वीडियो को भी जाके आप चेकआउट करें, आपको उसमें सारे अपडेट्स मिल जाएंगे कि फॉर्म लिस्ट कैसे आती है, क्या होता है, एमयू में क्या चीज है, ईच एंड एवरीथिंग। देन आफ्टर जब आपका फॉर्म लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपको सब्जेक्ट अलॉट हो गया, फॉर्म लिस्ट का मतलब ये होता है कि वो आपका सब्जेक्ट वगैरह अलॉट कर लिए जाते हैं, तब आपका वहां पे पेमेंट के लिए बात की जाती है। पेमेंट आपका होगा, ठीक है, मतलब कि जो बच्चे का सिलेक्शन हो गया है वही सिर्फ पेमेंट करेंगे, मतलब पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट्स ऑन द फॉर्म लिस्ट वन, मतलब फॉर्म लिस्ट वन पे ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद 28 तक अगर आपने 25 से 28 तक अगर आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते हो तो आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा 29 सितंबर का, और उस दिन आपको आपकी पेमेंट एंड सारी एडमिशन प्रोसीजर भी एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे लेट हो जाते हैं, मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ फाइन के साथ, ग्रेस पीरियड विद फाइन, ठीक है, कुछ फाइन आपको पे करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये प्रोसीजर खत्म हुआ 29 में, आपका नाम नहीं आया, देन आफ्टर आप जो भी चांस में वो लिस्ट में है, ठीक है, आप सभी को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 2nd एंड 3rd अक्टूबर में, और सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वहां पे पहले से अपलोडेड रहे, बट आपको दोबारा से वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़े, रजिस्ट्रेशन लॉग इन अपलोड डॉक्यूमेंट सारी चीजें, ठीक है, जो भी वहां पे नीड होगी आपको सब कुछ वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। देन आफ्टर 4 से 6 सितंबर के बीच में फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेम वे में, फिर से आपको कहा जाएगा रिसबमिशन के लिए अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है, एंड वेरिफिकेशन होगा रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का, और उसके बाद फॉर्म लिस्ट 2 फिर से बन के आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्म लिस्ट 2 का अगर आप वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसको आगे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं 11 अक्टूबर 2022, यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका फॉर्म लिस्ट 2 में नाम आ गया, आपको सब्जेक्ट अलॉट कर दिया गया है, तो आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। देन आफ्टर जो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, देन आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, आपको बार बार पेमेंट नहीं करना होगा। इस चीज से आप बहुत माइंड को रिलैक्स रखिए कि बार बार आपको पेमेंट नहीं करना होगा, और अगर आप यहाँ पे फिर से लेट अगर हो जाते हो तो आपका ग्रेस पीरियड फिर से आपको दिया जाएगा, आप कुछ फाइन के साथ आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग फी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने फीस के बारे में डिस्कस किया पार्टिकुलर, क्या कि आपकी फी क्या होगी बैचलर्स की, BLLB की, MBA की, ईच एंड एवरी कोर्सेज की, हमने उस पर डिस्कस किया। देन आफ्टर अगर आप का ये सब कुछ इसमें खत्म हो जाता है, देन आफ्टर आपका आता है 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का दिन, अब इस दिन आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आपका नाम आ जाएगा, आपने फर्स्ट लिस्ट में किया था, सेकंड लिस्ट में किया था, उससे नहीं मतलब, आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा, रिसबमिशन होगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है, एंड फिर से रिसबमिशन को फिर से वेरीफाई किया जाएगा और फॉर्म लिस्ट 3 रिलीज की जाएगी, एंड देन आफ्टर यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से, इवन आफ्टर, अगर इसके बाद भी अगर आपकी कुछ सीट वैकेंट हो जाती है, तो जिस तरीके से जामिया स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाता है, यहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा कि जामिया, अगर एमयू की कुछ सीट वैकेंट रहती है, तो एमयू बेस पे कुछ नया निकालेगा, फर्म लिस्ट 4 निकाल सकता है, राउंड 4 कर सकता है, और बच्चे इसमें एडमिशन आके ले सकते हैं, तो वो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।